I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Acha Asha, ab main chalun. Aapne sab kuch rakh liya hai? Haan, sab kuch rakh liya. Aapke raat ke kapde? Wo bhi rakh liye. Ek jodi chappal? Wo bhi rakh li. Shaving ke liye blades? Do blade rakh liye. Aur uske saath saath shisha, kanga, baalon ki cream, sabun, tauliya sab rakh liye. Asha, tum mere bare mein chinta na kiya karo. Aapki chinta na karo. फिर काहे की चिंता करूंगी? अच्छा मैं चलूं, बाय बाय। सुनिए, आशा, 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 तुम उदास तो नहीं होगी? नहीं। जरा मुस्कुराओ तो। हाँ बस ऐसे ही रहना, हाँ जब तक मैं ना आ जाऊं ऐसे ही रहना, प्रॉमिस। वाह वाह मौसी, बरसों के बाद यहां आया हूं, लेकिन चाय बिल्कुल वैसी की वैसी, उतनी मजेदार, लगता है समय बीता ही नहीं। वाह जी वाह, काम किसी का और इनाम किसी को। ये चाय तुम्हारी मौसी ने नहीं, मौसी की बेटी ने बनाई है। ओह आई सी, मौसी संध्या बड़ी तेज हो गई है। तुम्हें देखकर ही ज्यादा बोल रही है बेटा। हम तो दिनों तक इसकी आवाज ही नहीं सुनते। संध्या जा बेटा, अजय को कमरे में ले जा, जरा मुंह हाथ धो ले, आराम कर ले, उठे माशा जी। चलिए। बोलो ना संध्या। बोलो ना संध्या। अच्छा जी, चार दिन से आंखें सूर्य देखने को तरस गई और उल्टा हम ही से रूठ गई। नाराज तो हमें होना चाहिए। मैं ना देखी। अजय, अजय, ना तू तू तू, ना। देखो देखो, माना तुम्हें कॉफी के लिए नीचे बुला रही है। मगर कॉफी तो तुम्हारे हाथ में है। हाथ में है? हाँ। लेकिन लेकिन इसमें शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं है? हाँ। जरा देखूं तो। शक्कर तो है। शक्कर है? हाँ। कमाल है, शक्कर भी है, लेकिन तुम जाओ ना। देखो संध्या, मैं तो चला जाऊं, लेकिन वो जो खिड़की में है ना, वो नहीं जाना चाहता। खिड़की में? हाँ। खिड़की में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? घड़ी देखिए सरकार, उसने रात को 9 ही नहीं बजेंगे, जिस दिन प्रशांत का साथ इस चौकट पे नहीं होगा। खिड़की में तो कोई नहीं है। संध्या अब बोलो ना, जल्दी बोलो ना। तुम्हें वो पसंद है? पसंद है? हाँ अच्छा है वो, वेरी गुड। अब मैं मौसी के साथ जाकर कॉफी पीता हूँ। ओके कौन? मैं हूं, बैठी रहो। अजय के बिना घर सुना सुना लगता है ना? घर का कोई भी आदमी बाहर चला जाए तो ऐसे ही लगता है। घर में कोई बाल बच्चा हो तो ऐसा नहीं लगता। भगवान को मुझ पर दया नहीं आई। भगवान को नहीं आई? क्या तुम्हें भी नहीं आई? जी, किस पर? हम पर, इस घर पर। मेरे बस में क्या है, एक अंधी लाचार औरत कर ही कह सकती है। तुम अंधी जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूँ जो तुम्हें भी साफ साफ नजर आएगी। उस तस्वीर के दो पहलू, एक तुम और एक मेरा बेटा। पहले अपने आप को देखो, तुम क्या हो? एक गंदी, बाज, खुदगर्ज औरत जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 साल शादी को हो गए, घर में एक बच्चा नहीं। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, मगर तुम सेवा करवाती हो। घर बिगड़ता है बिगड़ जाए, खानदान मिटता है मिट जाए, पति का सुख चैन लूटता है लूट जाए,
और तुम कहती हो अंधी हूं, लाचार हूं, कर ही क्या सकती हूं। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखो, मेरा बेटा जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी चीज की होश नहीं, सिर्फ तुम्हारा साया बनकर रह गया, न किसी काम की लगन, न कहीं आने जाने से मतलब, दिन रात तुम्हारे पास बैठा रहता है। उसका प्यार एक त्याग है, बलिदान है। अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखता था कि अंधों को क्या तकलीफ होती। अंधी तुम जरूर हो, लेकिन अकल की अंधी नहीं, तुम जानती हो, जानती हो कि मकान जायदाद रुपया पैसा बहुत कुछ है, और मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारे पास आने वाले हैं, इसलिए मेरी दौलत पर साफ बनकर बैठ गई। माँ जी बस कीजिए, बस कीजिए, मैं बहुत ही बड़ी खुदगर्ज और लालची हूँ, कभी एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि एक अंधी और बांझ औरत किसी को क्या दे सकती है। मुझे कोई हक नहीं है जिंदगी भर उन पर बोझ बनी रहूं, इस खानदान का नाम मिटा दूं, इस घर का चिराग बुझा दूं। सच कहती हूँ, मुझे मकान जायदाद रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती थी उनकी और आपकी जूतियों में पड़ी रहती, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं आंखों की अंधी नहीं, अकल की अंधी भी हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? ओहो, मेरा बोलना भी तुम्हें गला फाड़ना लग रहा है? मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा? हाँ, चश्मा आंखों पर लगाने वाला आला, वो गोल गोल चीजों वाला, जिसके बगैर ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मरीजों को देख सकता हूँ। क्या मैं चश्मा भी नहीं समझती? मैं कोई जाहिल गंवार नहीं, मेरा बाप भी चुंगी में बाबू था, तुम्हारे घर आकर मट्टी खराब हो गई, कोई बाल बच्चा होता तो उसी से जीवे ला लेते। अरे बाल बच्चा मैंने देना है क्या, बच्चा देने वाला ऊपर वाला है, उससे कहो मेरा चश्मा ढूंढो। ये क्या है? ओह मैं भी तेरी तरह पागल हो गया हूँ। बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा, कमाल है। आशा, ये आशा बेटी तू? अरे आओ बेटी आओ, अरे आओ बेटा, रुक क्यों गई हो? आओ आओ इधर इधर। हाँ बेटा। आशा क्या बात है बेटे, तू ठीक तो है ना? मेरी आंखें चली गई है। और अभी तक किसी ने मुझे खबर नहीं दी, दो पैसे का खाते लिख देते बेटे। मैंने ही रोक दिया था, सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब तू ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगी, तेरा भाई तुझे ठीक करेगा, भले मुझे अपनी आंखें न देनी पड़े। रोने गिरनार जी एंड कंपनी 17,500। आ गए बेटा? हाँ माँ, पाए लागू। जुग जुग जी हो, अच्छे तो रहे? हाँ माँ। काम हो गया? काम बिल्कुल ठीक हो गया माँ। जगदम्बे जगदम्बे, कुंवर साहब जाए और काम न हो मालकिन। अच्छा माँ, अब मैं ऊपर जाता हूँ, आशा मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटा आशा ऊपर नहीं है। नहीं है? वो तो तुम्हारे जाने के तीसरे ही रोज अपने भाई के घर चली गई। अजीब बात है, मेरे जाने तक तो उसका कोई इरादा नहीं था, ये अचानक कैसे चली गई? उसके जी की मैं क्या जानू बेटा, कहने लगी जी नहीं लगता। ओ समझा, मेरे बगैर यहाँ उदास हो गई होगी। माँ मैं कल सुबह उसे जाके ले आऊंगा। हाँ शांति, आशा ने कोई बात की? तुम भाई बहन जिस दिन मुझसे बात करोगे दुनिया का दस्तूर ही बदल जाएगा। जब देखो जबान पर कटार लिए बैठी रहती हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा और उसकी सास एक घंटे से ऊपर क्या कर रहे हैं, आशा ने कुछ तो बताया होगा। वो आएगी तो खुद पूछ लेना। मुझे तो आशा की ससुराल वालों की नीयत अच्छी नहीं लग रही, ना जाने ऊपर एक घंटे से क्या खिट्टी पक रही है। मैं आपको वचन देकर आई थी, आपकी बेटी की जिंदगी से निकल जाऊंगी, उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मेरी बात का विश्वास नहीं आया था आपको? नहीं ये बात नहीं, अजय कल तुम्हें खुद लेने के लिए आने वाला है। मैं जानती हूँ आशा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसके आने से
कहीं तुम्हारा मन न बदल जाए, ये बात चतलाने आई थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा उनके रास्ते से हट जाना ही ठीक है, इस बात का मुझे यकीन हो गया है। इसी में उनकी खुशी है, मैं ये खुशी बर्बाद नहीं करूंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा, अब मैं चलती। क्या बातें होती रही बेटे? वो मुझे लेने आई थी, मैंने कह दिया नहीं जाऊंगी, मेरी बात का यकीन नहीं आता। नहीं, भाभी कहाँ है? रसोई में। एक बात पूछूं भैया? पूछो बेटे। मैं तुम्हारे पर बोझ तो नहीं हूँ? मैंने तुम्हें गोद खिलाया, अपनी औलाद की तरह पाला है, तुम मुझ पर बोझ कैसे हो सकती है? आशा, अगर मुझे कभी भगवान मिले और ये पूछे कि बता तेरी तमन्ना क्या है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मुझे जितने जन्म भी मिले, आशा को मेरी छोटी बहन बनाकर ही भेजना। भैया, तुम्हारे पास मुझे माँ का प्यार मिल जाता है। भैया, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ बेटे। मैं उस घर से खुद चली आई हूँ। क्यों? उन्हें बच्चा चाहिए था, खानदान का नाम जिंदा रखने वाला, उनके वंश को आगे चलाने वाला। मैं उनकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकी। बाहर गए हुए थे, मैं उन्हें बिना कहे चली आई। कल वो यहाँ आ रहे मुझे लेने के लिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं भैया, बहुत प्यार करते हैं। मगर मैं उनकी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती, रास्ते से हट जाना चाहती हूँ। भैया, इस काम में मेरा हाथ बताएंगे ना? हाँ कहो भैया, हाँ कहो। हाँ बेटे, अगर तेरी खुशी इसमें है तो ठीक है। चल आपसे कुछ वो तुझे लेने आएंगे और तुम्हें उनको वापस भेजना होगा हमेशा के लिए। तुम कैसे करोगी? कैसे कैसे? ये सच है कि तुम मेरे साथ अपने घर नहीं जाना चाहती हो? हाँ। क्यों आशा? माँ ने कुछ कह दिया क्या? मैं जानता हूं आशा, तुम अपने वचन की बड़ी पक्की हो, माँ के खिलाफ कभी कुछ ना कहोगी। लेकिन आशा, वो वचन तो मैंने तुमसे दिया था, आज मैं ही तुमसे पूछ रहा हूं। क्या बात है आशा? बात सिर्फ इतनी है, एक घर में एक ही औरत रह सकती है, और उस घर में मैं रहूंगी या आपकी मां। आशा, आशा, ये तुम कह रही हो आशा? तुम? ठीक है आशा, ठीक है। अगर तुम अपने घर से दूर खुश रह सकती हो आशा, तो जरूर रहो, जरूर रहो। लेकिन एक बात याद रखना आशा, वो घर हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। अजय!
आशा, आशा, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो जय। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लगता है आज कोई मरीज नहीं आया। मरीज तो नहीं, लेकिन अभी अभी एक बदतमीज आया। ओहो, बड़े बिगड़े हुए तेवर हैं। भाभी से खटपट हो गई क्या? तमीज से बात करो मिस्टर। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो मुझे उस वक्त हुई थी जिस दिन मैंने तुम्हें शरीफ समझ लिया था। क्या मतलब? मतलब मेरा तो साफ है, तुम अपना मतलब बताओ, यहां से चलते बनो। डॉक्टर साहब मैं तो अपनी आशा को यहां से लेने आया हूं। आशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो पांव की जूती नहीं है, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार कर फेंक दिया। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मैं और आशा को पांव की जूती समझूं? मैंने तो हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठाया है। ये सब बकवास है, पहले उस बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? तुम्हारी मां। और कौन? डॉक्टर साहब आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हैं, खबरदार जो मेरी मां के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। और आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे कह सकते हैं, ये कंधी और लाचार को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। ठाकुर साहब अगर आप लोगों को अपनी दौलत का नशा है तो हम गरीबों को भी अपनी इज्जत का नशा है। चले जाइए यहां से, आशा उस घर में वापस नहीं जाएगी। मैं ये सब कुछ आशा की जबान से सुनना चाहता हूं। नहीं, आशा से तुम नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? आशा मेरी बीवी है। बीवी है नहीं, थी। वो सिर्फ मेरी बहन है। कुछ भी हो, मैं आशा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मिस्टर रुक जाओ, मुझे बदतमीजी पर मजबूर ना करो। तुम तो आंखों वाले हो, रास्ता तुम्हें साफ नजर आ गया होगा। मेरी बहन तो अंधी है, चार ठोकरें खाकर ही यहां पहुंची होगी। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अकल बेच खाई है क्या? जवाई बाबू से ऐसा बर्ताव करते हो? तुम चुप रहो जी। तुम लाग डालते रहो मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। आशा हमारी बेटी है, जिंदगी भर हमारे पलकों पे रह सकती है, मगर ब्याह देने के बाद पति का घर ही उसका घर है, उसका जीवन मरण उसी चौखट पर है। चलिए अजय बाबू, आशा ऊपर है। शांति। मर गई शांति, तुम बहन के दुश्मन हो गए हो तो मैं भी हो जाऊंगा। चलिए अजय बाबू चलिए। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.